हेलो गाइस, 10th और 12th क्लास के बच्चे जो कि सीबीएसई का जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए गुड न्यूज है। उम्मीद है आप लोगों का रिजल्ट 10th मई तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि आपका रिजल्ट जो है वो आप लोग चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए cbse.nic.in ये लिखकर आपने गूगल के होम पेज पर आपको ये लिखना है cbse.nic.in। इनकी वेबसाइट पे जाके सीबीएसई की आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको सीबीएसई के रिजल्ट वाले कॉलम पे आना है। देखिए, रिजल्ट वाले कॉलम पे आप आ जाएंगे, होम पेज पर आकर रिजल्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे एंड देन आपको रिजल्ट वाले कॉलम पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपका। उसमें आपको अपना रोल नंबर, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर है, वो डालना है। उसके बाद अपने स्कूल की आईडी डालनी है और आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। आप अपने एडमिट कार्ड को साथ लेकर बैठना, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ये फिल कर देना और बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, सीबीएसई की साइट उस दिन क्रैश हो जाती है क्योंकि लगभग 12 से 15 लाख बच्चे जो हैं पेपर देते हैं, तो नेचुरली अगर एक साथ सारे बच्चे बैठेंगे रिजल्ट देखने तो सीबीएसई की साइट जो है उस दिन बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है। तो उसके लिए सीबीएसई 3 वेबसाइट्स इशू करती है, ये बात ध्यान रखना। cbse.nic.in नंबर 2, cbse.gov.in सेकंड वेबसाइट, नंबर 3 cbse.result.in तीसरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो ये तीनों वेबसाइट्स आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका और जिस दिन रिजल्ट आएगा इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख लेना। और आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आए। विश यू ऑल द बेस्ट और आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।